आदाब दहलवी के शेर के साथ आज के तीसरे लेक्चर की शुरुआत करता हूँ। नहीं खेल आदाब यारों से कह दो कि आती है उर्दू जबां आते आते। हिस्सा नसर यानी प्रोज की दूसरी कहानी जो यूनिट 5 में है, खद्दर का कफन पर गुफ्तगु करेंगे। ये पेज नंबर 159 यानी 159 में है। हिस्सा नसर से इस लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई है, तो हम पहले नसर को मुकम्मल करेंगे, फिर बाद में हिस्सा नज़्म यानी पोएट्री पर गुफ्तगु की जाएगी इंशाअल्लाह। खद्दर का कफन के मुसन्निफ ख्वाजा अहमद अब्बास हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले चंद बातें ख्वाजा अहमद अब्बास के हवाले से। आप 7 जून 1914 में पानीपत हरियाणा में पैदा हुए और 1987 में आपका इंतकाल हुआ। आपकी इब्तदाई तालीम पानीपत में हुई, बाद में आप अलीगढ़ जाते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन करते हैं। 1936 में आपका सहाफती ज़िंदगी का आगाज़ शुरू होता है और बॉम्बे क्रॉनिकल जो अखबार है आप उससे जुड़ जाते हैं। आप की पहली कहानी अबाबील है, ख्वाजा अहमद अब्बास की पहली कहानी अबाबील है जो रिसाला जामिया में 1936 में शाये हुई। आप उर्दू हिंदी अंग्रेज़ी तीनों जबान में लिखते थे। आपके 10 अफसानी मजमूए हैं, 2 ड्रामे, 1 नावल, इसके अलावा सफ़रनामा खुद नविश्त भी हैं। आपकी दिलचस्पी के लिए बताना चाहता हूँ कि ख्वाजा अहमद अब्बास के इस अदबी सफ़र के अलावा फिल्मी इंडस्ट्री, फिल्म नगरी जिसे मुंबई को हम कहते हैं, वहाँ अपनी ज़िंदगी के कीमती 46 साल गुजारे। आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ साथ मुकालमा और कहानियाँ लिखा करते थे, मुकालमा यानी डायलॉग। आप में से किसी को भी ये नाम फिल्मों के हवाले से याद आ रहा है? नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अरे वही ख्वाजा अहमद अब्बास जो आज के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म साथ हिंदुस्तानी में ब्रेक दिया था। अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी ही तो है। अमिताभ बच्चन के अलावा हिंदी सिनेमा के कई स्टार आपने दिए, जैसे शबाना आज़मी, मिथुन चक्रवर्ती वगैरह। फिल्म आवारा से आपकी दोस्ती राज कपूर से शुरू होती है, जो आरके बैनर्स फिल्म की आखिरी फिल्म हेना तक जारी रहती है, जिनमें बेशतर कामयाब फिल्में हुईं, जिनमें 420, जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है, मेरा नाम जोकर, सत्यम शिवम सुंदरम और राम तेरी गंगा मैली काबिले जिक्र हैं। खद्दर के कफन मुसन्निफ ख्वाजा अहमद अब्बास के हवाले से ये चंद बातें मैंने समझा कि ज़रूरी है आपको बता दूं, ताकि आपकी इस कहानी को पढ़ने में सुनने में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। तो आइए आज की कहानी खद्दर का कफन शुरू करते हैं। 30 बरस की बात है, जब मैं बिल्कुल बच्चा था, हमारे पड़ोस में गरीब बूढ़ी रहती थी। उसका नाम हकीमन था, मगर लोग उसे हक्कू कहकर पुकारते थे। उस वक्त शायद 60 बरस की उम्र होगी, जवानी में ही विधवा हो गई थी और उम्र भर अपने हाथ से काम करके अपने बच्चों को पाला था। बूढ़ी होकर भी वो सूरज निकलने से पहले उठती थी, गर्मी हो या जारा, अभी हम अपने अपने लिहाफों में दुबके पड़े होते थे कि उसके घर से चक्की की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती। दिन भर वो झाड़ू देती, चरखा काटती, कपड़ा बुनती, खाना पकाती, अपने लड़के और लड़कियों, पोते नवासों के कपड़े धोती। उसका घर बहुत ही छोटा था, हमारे इतने बड़े आंगन वाले घर के मुकाबले में वो जूते के डब्बे जैसा लगता था। 2 कोठरियाँ, 1 पतला सा दालान और नाम के वास्ते 2-3 गज लंबा चौड़ा सहन। मगर वो इतना साफ सुथरा, ऐसा लिपा पुता रखती थी कि सारे महल्ले में मशहूर था कि हक्कू के घर के फर्श पर खेले बखेर कर खा सकते हैं। सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक वो काम करती थी। फिर भी जब हक्कू हमारे घर आती, हम उसे हशाश बशाश ही पाते। बड़ी हसमुख थी वो,
मुझे उसकी सूरत अब तक याद है, गहरा सांवला रंग जिस पर उसके सफ़ेद बगला से बाल खूबसूरत खिलते थे। उसकी काठी बहुत बड़ी मजबूत थी जिसकी उसकी कमर मरते दम तक नहीं झुकी। आखिरी दिनों में कई दांत टूट गए थे जिससे बोलने में पोपलेपन का अंदाज आ गया था। बड़े मज़े की बातें करती थी। जब हम बच्चे उसे घेर लेते तो कभी 3 शहजादों, कभी 7 शहजादों, कभी जिनों और परियों की कहानियाँ सुनाती। वो पर्दा नहीं करती थी। हम अपना सारा कारोबार खुद चलाती थी। हक को पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। न उसने औरतों मर्दों की बराबरी का उसूल सुना था, न जमहूरियत न इश्तराकियत का। फिर भी हक को न किसी मर्द से डरती, न किसी अमीर रईस अफसर या दरोगा से डरती थी। हक्कों ने उम्र भर मेहनत करके अपने बाल बच्चों के लिए थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे। बेचारी ने बैंक का तो नाम भी न सुना था। उसकी सारी पूंजी जो शायद 100-200 रुपए हो, चांदी की गहनों की शक्ल में उसे कानों गले और हाथों में पड़ी हुई थी। चांदी की बालियों से उसके झुके हुए कान मुझे अब तक याद हैं। उन गहनों को वो जान से ज़्यादा अजीज रखती थी क्योंकि यही उसके बुढ़ापे का सहारा थे। मगर एक दिन जब मोहल्ले वालों ने देखा कि न हक्कों के कान में बालियां हैं, न उसके गले में हंसली, न उसके हाथों में करे और चूड़ियां, फिर भी उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी और कमर में नाम को भी खम नहीं था। हुआ यह कि उन दिनों महात्मा गांधी अली बिरादरान के साथ पानीपत आए। हमारे नाना के घर में उन्होंने तकरीरें की। हक्कों भी एक कोने में बैठी हुई सुनती रही। बाद में चंदा जमा किया तो उसने अपना सारा जेवर उतार कर उनकी झोली में डाल दिया और उसकी देखा देखी औरतों ने भी अपने जेवर उतार कर चंदे में दे दिए। हमारे यहाँ आकर नाना अब्बा से खबरें सुना करती और अक्सर पूछती, ये अंग्रेज़ों का राज कब ख़त्म होगा? कांग्रेस के जलसे होते तो उनमें बड़े चाव से जाती और अपनी समझबूझ के मुताबिक सियासी तहरीक को समझने की कोशिश करती। मगर उम्र भर की मेहनत से उसका जिस्म खोखला हो चुका था। पहले आंखों ने जवाब दिया, फिर हाथ पांव ने। हक्कों ने घर से निकलना बंद कर दिया मगर चरखा काटना न छोड़ा। उम्र भर की मश्क के सहारे आंखों बगैर भी वो कपड़ा बुन लेती। बेटों पोतों ने मना किया तो उसने कहा, वो ये खद्दर अपने कफन के लिए बुन रही है। फिर हक्कों मर गई। उसकी आखिरी वसीयत ये थी कि मुझे मेरे बुने हुए खद्दर का कफन देना, अगर अंग्रेजी कपड़े का दिया तो मेरी रूह को कभी चैन नसीब न होगा। उन दिनों कफन लट्ठे के दिए जाते थे। खद्दर का पहला कफन हक्कों को ही मिला। उसका जनाजा उठा तो उसके चंद रिश्तेदार और 2-3 पड़ोसी थे। न जुलूस, न फूल, न चंदे, न झंडे, न जुलूस, न फूल, न झंडे, बस एक खद्दर का कफन। कहानी खत्म हो जाती है, यानी कहानी खत्म हो गई। अब इस कहानी को और भी आसान और आम फहम जबान में, वो जबान जो आप जिसमें आप गुफ्तगू करते हैं, इस कहानी का खुलासा हम आपके सामने रखेंगे। इस कहानी में आपके लिए कुछ मुश्किल अल्फाज भी आए हैं, उसके माने और सवालात और जवाबात पर कल इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। ख्वाजा अहमद अब्बास की ये जो कहानी हक्कों है, ख्वाजा अहमद अब्बास खुद ही इस कहानी को सुना रहे हैं, अपनी बचपन की कहानी को सुना रहे हैं कि जब वो नालियाल में हुआ करते थे, वहाँ हक्कों नाम की एक बूढ़ी औरत थी जिसकी उम्र 60 साल थी, लेकिन 60 साल के बाद भी उसकी कमर झुकी हुई नहीं थी, यानी वो हर काम करती थी। और जब हम लोग ठंडक के दिनों में लिहाफों में हम लोग दुबके पड़े होते थे तो उनके घर से चक्की की आवाज़ आती थी। आप जानते होंगे आटा एक ज़माने में जो हम गेहूँ मकई वगैरह पीसते थे हमारी देहात में, हमारे यहाँ तो पत्थर का एक होता था, उस पर हाथ से चलाया जाता था। उस चक्की की बात हो रही है। उस चक्की से आवाज़ें आती थी। घर इंतहाई छोटा सा था, बहुत इतना छोटा है कि मुसन्निफ कह रहे हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास कह रहे हैं कि हमारा जो आंगन था उससे तो मुझे जूता रखने की जो जगह थी उतना ही बड़ा आंगन था, लेकिन इंतहाई साफ सुथरा। हर वक्त वो मिट्टियों से लीप के उसको साफ रखती थी। महल्ले में मशहूर था कि उसके यहाँ कोई खेले उले कोई चीज़ खाना है बिखेर दे फैला दे फिर उसको चुन के खा ले।
गोया के इसी तरह से थी। उस बैंक बैंक का उसने नाम सुन नहीं रखा था। जो भी पैसे उसे मोहल्ले से मिलते थे, झाड़ू पोछा करती थी, घरों में काम करती थी, जो पैसे मिलते उस पैसे से चांदी का वो जेवर बना लिया करती थी। सोने तो उसकी पहुंच से बाहर थे कि सोने के वो जेवर बनाती। चांदी के उन जेवरों को वो हमेशा गले में पहनती। मुसन्निफ कहते हैं, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास कहते हैं कि मुझे अभी तक याद है कि वो उसके जो कान में बालियां पहनती थी, वो चांदी के वो बड़े से होते थे जिसकी वजह से उसका कान लटक जाया करता। एक रोज लोगों ने देखा कि न उसके हाथ में न चांदी की चूड़ियां हैं, न गले में हसली है, न कान में बालियां हैं, फिर भी वो मुस्कुरा रही है। वही रोजाना की तरह चेहरे पर उसके वही मुस्कुराहट, वही खुश। लोग हैरान कि भाई इसकी यहाँ न चोरी हुए, न डाके हुए, फिर अचानक ये चीज़ इस तो अपने जेवरों से बहुत मोहब्बत करती थी। या वो कहती थी कि मेरे बुढ़ापे का सहारा है, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, काम करने के लायक नहीं रहूंगी, तो इन्हीं को बेच बेच के अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। आज ये अचानक ये सब कुछ खत्म हो गया है, फिर भी जाहिर आप जानते हैं चोरी डाका होता है, हम हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, और लोग हमें हमारे पास आते हैं, हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि सब्र कीजिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वही मुस्कुराहट जो रोज़ाना उसके चेहरे पर है। हुआ यूँ था कि उनके नाना के घर यानी ख्वाजा अहमद अब्बास के घर में गांधी जी आते हैं, अली बिरादरान। अली बिरादरान कौन? वही अली बिरादरान मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो आपके जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बानियों में से एक बड़ा अहम नाम है। और बिरादरान कहते हैं बिरादर यानी भाई। तो उनके कई भाई थे, पांच भाई थे, एक भाई का तो इंतकाल हो चुका था, लेकिन चार भाई थे। आप शायरी भी करते थे मोहम्मद अली जौहर, इस वजह से वो जौहर तखल्लुस लगाया करते थे। तो गांधी जी उनके नाना के घर जब आते हैं तो मोहम्मद अली जौहर भी आते हैं, और वहाँ बहुत जोशीली तकरीर जंगे आज़ादी पे, तहरीक आज़ादी पे करते हैं। जाहिर है ज़माने में नई पार्टी थी, पैसे नहीं थे, फंड की फराहमी थी। तो तकरीर जब ख़त्म होती है तो हक़ को एक जाहिल, एक कम पढ़ी लिखी औरत, बल्कि जाहिल ही कहिए उसको, आप ये भी नहीं कह सकते कि पढ़ी लिखी है या कम या ज़्यादा, वो सबसे पहले आगे आती है और अपने कानों से, अपने गले से जेवर उतार के वो उस चंदे का जो थैली है उसमें डाल देती है। और फिर उसका देखा देखी दूसरी ख्वातीन, दूसरी औरतें भी ये काम करती हैं और ढेर सारा चंदा जमा हो जाता है। और वो अक्सर उसके बाद उसका अक्सर ये मामूल था कि रोज़ाना वो ख्वाजा अहमद अब्बास के मुसन्निफ़ के नाना के पास आती, घुसती, यानी सियासी तहरीक के बारे में पूछती कि अब क्या हो रहा है, और एक सवाल आखिरी में करती थी कि अंग्रेज़ हमारे मुल्क को कब छोड़ेंगे, कब यहाँ से भागेंगे। दिन गुजरता रहा, उम्र उसकी बढ़ती रही, कमज़ोरी बढ़ती रही, एक वक्त आया कि आँखों ने साथ छोड़ दिया, उठने बैठने में उसे परेशानी होने लगी। तब वो घर का काम करना, दूसरे महल्ले में जो घरों में काम करती थी उसने काम करना बंद कर दिया, लेकिन चरखा कातना उसने नहीं छोड़ा। उसके पोतों ने, उसके बेटों ने उसे बहुत समझाया कि अम्मा आप क्या कर रही हो, तुम्हारी आँख की रोशनी जा चुकी है, तुम्हारी बीनाई जा चुकी है, आप उसको छोड़ दीजिए। लेकिन वो कहती थी कि मैं अपने लिए कफन बुन रही हूँ, जब मैं मरूंगी तो मेरे लिए यही खद्दर का कफन देना, लट्ठा मत देना। उस जमाने में बाहर से लट्ठा सफ़ेद कपड़ा आया करता था जो कफन के लिए इस्तेमाल होता है, आप जानते हैं हर मजहब में इस्तेमाल होता है सफ़ेद कपड़ा। तो वो कहती थी कि वो जो बाहर से कपड़ा आया है अंग्रेज़ों का कपड़ा, वो मुझे मत देना, वरना मुझे रूह को तस्कीन नहीं होगी, इसलिए मैं लट्ठा बुनूँ, इसलिए मैं चरखा काटती हूँ, ताकि मैं सूती कपड़ा अपने लिए। आपको याद होगा ग्रामोद्योग का जो चला तहरीक चलाई थी गांधी जी ने, चरखा काटना, ये इससे पता चलता है। तो वो बुना करती थी, फिर एक वक्त आता है कि वो मर जाती है, और बहुत खामोशी, चूँकि गरीब थी ना, कोई किसी के बारे में खबर नहीं हुई, और बड़ी खामोशी से लोग उसके दो चार रिश्तेदार और महल्ले के दो तीन पड़ोसी जाते हैं। और उस ज़माने में जो भीड़ हुआ करती थी, लोग जाते थे, कुछ नहीं, खामोशी से चली जाती है, लोग उसको दफन कर देते हैं। लेकिन वो मुसन्निफ कहते हैं कि शायद वो पहला खद्दर यानी खादी का कपड़ा, सूती कपड़ा था, जिससे हक़ का पहला कफन बना था। आप जानते हैं कि मैं क्लास में अक्सर जंग आज़ादी के हवाले से मैं बात करता हूं, और आपको बताता हूं कि जंग आज़ादी
के बारे में जैसी ही बात आती है 1857 से लेकर 1947 तक, चंद बड़े नाम हमारे जहन में आते हैं। मोतीलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं और भगत सिंह वगैरह हैं। बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं लेकिन यहाँ पर गुंजाइश नहीं कि मैं उनका नाम लूँ। लेकिन क्या जानते हैं कि यही 100, 200, 400, 500 या हज़ार नेता जो थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जैसा मैंने भी जिक्र किया, तो क्या यही मुख्तार अहमद अंसारी, इनका ताल्लुक आपके जामिया से है, मौलाना महमूद हसन, क्या ये इतने ही लोग थे? नहीं मेरे अजीज, जंग आज़ादी में सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों जानें तल्ख हुईं, लाखों जानें बर्बाद हुईं, लाखों जानों ने मुल्क को आज़ाद करने के लिए अपनी कुर्बानियां पेश की हैं। एक लंबा सिलसिला है। 1857 की नाकाम गदर के बाद तो अंग्रेज़ों ने लोगों को गोलियों से पकड़ पकड़ के, बहादुर शाह जफर को जब गिरफ्तार कर लेते हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के गोलियों से, बंदूक से मारने लगे। जब उनकी उंगलियां ट्रिगर पर नहीं चल रही थी, सील हो गई थी, सख्त हो गई थी, तो बांध के 1,000, 5,000, इस तरह से 2,000, 4,000, 5,000 लोगों को दरख्तों में बांध दिया था, तोप से उड़ाया जाता। जुल्म की इंतहा है। पूरी दुनिया में इसकी मिसाल, इसकी नज़ीर नहीं मिलती जो अंग्रेज़ों ने जुल्म उठाया था। गोया कि इस मुल्क को आज़ाद करने में, इस कहानी से हमें यह सबक मिलती है कि इस मुल्क को आज़ाद करने में वो बड़े नाम तो है ही हैं जिनका मैं हमेशा जिक्र करते हैं और जिक्र करना भी चाहिए, लेकिन चंद ऐसे छोटे छोटे नाम भी हैं, छोटे छोटे किरदार भी हैं जिनको बन के इतनी बड़ी कहानी बनी है और ये 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। ये भी हमें समझना चाहिए कि मैं हमेशा तलबा से कहता हूँ कि आप खूब पढ़ें, जम के पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, क्या पता आप में से कोई राइटर बन जाए, कोई अफसाना निगार बन जाए, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, कोई मुल्क का लीडर बन जाए। उस वक्त आप अगर हम साथ-साथ क्राम में से किसी की बात आपको अच्छी लगे तो आप उसको जिक्र कर सकते हैं, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। आपको याद हो प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी अलीगढ़ वाले मशहूर इंशाइया निगार, उन्होंने अपने कुंदन का जिक्र किया है, वो कुंदन जो घंटी बजाया करता था अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में, उस ज़माने में घंटी बजाया करती थी हर क्लास के बाद पीरियड में, आज भी स्कूलों में बजता है। तो हम कुंदन को जान गए, वरना कुंदन एक मामूली सा आदमी कौन जानता था। रशीद अहमद सिद्दीकी उसका ड्यूटी, उसकी ईमानदारी, उसकी पंक्चुअलिटी से इस कदर मुतासर हुए कि जब लिखने लगे तो बेशुमार लोगों पर इंशाइया और खाका लिखा, तो उसमें एक खाका आपने कुंदन के लिए भी लिखा। ये एक बड़ी बात है। इसलिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न सिर्फ तालीम देती है, आला किस्म की तालीम देती है, बल्कि आपको आपकी तरबियत भी करती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक जाहिल जो है, अगर वो तालीम याफ्ता है और बामल नहीं है उसके पास, तो वो गधे के मानिंद है, जिसके पीठ पे बनो किताबें लदी होती हैं, उसे इल्म नहीं होता कि हमारे पीठ पर कितनी कीमती चीज़ है। इसलिए आप जितना पढ़ें उस पर अमल करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी और आप इसको पहले सुने, 2-3 बार सुने और फिर अपनी किताब जो आपके पास मौजूद है उस किताब को इसी अंदाज में कहानी को पढ़ें और इंशाल्लाह कल की क्लास में आपको सवाल जवाब किया जाएगा और इसमें जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।